आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। राम मंदिर के निर्माण के बाद से राम मंदिर के प्रति आस्था लोगों में जागी है। इससे पहले भी थी, लेकिन उसको दबाने के लिए कितने प्रयास हुए हमें मालूम है। आप उस समय जब अयोध्या में बेहद द्वारा कार सेवा करने का आह्वान किया गया, तब कार सेवकों को रोकने के लिए उस समय की मुलायम सिंह यादव सरकार ने वहां आने वाली ट्रेनों पर रोक लगा दी। इसके बावजूद कार सेवक अयोध्या पहुंचे, और अयोध्या जाने के बाद जब कार सेवा प्रारंभ की जानी थी, उस समय मुलायम सिंह यादव सरकार ने क्या किया, उन्होंने इन कार सेवकों के ऊपर गोली चलाने को कह दिया। कार सेवक फिर भी नहीं डरे, कार सेवक आगे बढ़ते हैं। 2 नवंबर का दिन इन कार सेवा के लिए ध्यान देने वाला है, क्योंकि इस दिन दो सगे भाई जो कार सेवा में गए थे, जो अपने घर के विरोध के बावजूद कार सेवा में एक साथ गए थे ताकि वो अपने राम लला को उचित स्थान पे पहुंचा सकें, उन दोनों भाइयों को कार सेवकों के साथ मार दिया जाता है। और ये कौन मारता है, उस समय की मुलायम सिंह यादव सरकार के निर्णय पर वहाँ की पुलिस क्या करती है, जब कार सेवक हनुमानगढ़ी से अयोध्या के वर्तमान के राम मंदिर की ओर बढ़ रहे होते हैं, तब उन पर खूब आंसू गैस के गोले दागती है ताकि वे उस स्थान पर ना पहुँच सकें। और जब एक कार सेवक उन आंसू गैस के गोलों को हटाने के लिए आगे आता है, तब उसको सामने से गोली मार दी जाती है। इस गोलीबारी के बाद वहाँ की जो भीड़ थी, वहाँ जो कार सेवक थे, वो यहाँ वहाँ हो जाते हैं। और ये दोनों भाई जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, शरद कोठारी और राम कोठारी, दोनों भी अस्त व्यस्त हो जाते हैं। शरद अपने किसी घर में जाके छुप जाता है, तब पुलिस क्या करती है, वो उस घर में जाके शरद कोठारी को बाहर निकालती है और बीच सड़क पे कार सेवकों के सामने उसे मारने के लिए खड़ा कर देती है। ये सब देखने के बाद जब उसका भाई राम कोठारी कहता है कि मेरे भाई को छोड़ दो, वो अगर मारना ही है तो मुझे मार दीजिए, तब शरद को उसी के सामने, उसके भाई के सामने शरद को मार दिया जाता है। और जब शरद उसके पास पहुंचता है, तो वहीं पुलिस उन पर लगातार गोलीबारी करती है और वहीं भी उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये पूरा का पूरा जो कृत्य है, वो उस समय की मुलायम सिंह यादव सरकार के समय हुआ था और उसके कहने पे हुआ था। सिर्फ ये दोनों कार सेवक ही नहीं, वहाँ पे उपस्थित कई कार सेवकों को पुलिस मार देती है, उन पर गोलीबारी कर देती है। तो राम मंदिर ऐसे ही नहीं बना, इसमें कई योगदान है और अपने जीवन का तक बलिदान कर देने वाले लोगों का समर्पण है, तब जाके आज हम ये भव्य और दिव्य राम मंदिर देख पा रहे हैं। अगर आपको इन किस्सों के बारे में नहीं पता, राम मंदिर से जुड़ी कहानियों को देखिए, तो आप जानेंगे कि राम मंदिर को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, राम मंदिर को इस स्वरूप में लाने के लिए कितने लोगों का बलिदान हुआ है, कितने ही परिवारों ने अपने दीपकों को खो दिया ताकि राम लला अपने उचित स्थान पर पहुँच सकें।